यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर, घने बादलों को चीर कर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है। तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली। यही चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी सफलता है। मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अनगिनत सफलताएं हासिल करेगा। मेरे परिवारजनों, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फॉरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है
जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डायवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है, जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेनर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि 2-2 विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का परिचय दिया है। G20 में आए हर प्रतिनिधि हमारे देश की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हुए। ऐसा ही एक शानदार कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया गया। वहां हुए साड़ी वॉकाथॉन में 15 राज्यों की 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही, वोकल फॉर लोकल को भी बल मिला और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के एपिसोड में हम अपनी युवा पीढ़ी के सामर्थ्य की चर्चा अक्सर करते रहते हैं। आज खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है।